तो करते हैं हम लोग कंटिन्यू आज का सेशन। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन जो कर्व है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कर्व यहाँ पे कैसे वर्क करेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए, कैसे हम इसको समझते हैं, तो उन सारी चीजों पे हम लोग आज करने वाले हैं डिस्कशन। तो सभी लोग रेडी हो, एक बार फटाफट से रेज योर हैंड्स, देन वी विल कंटिन्यू और स्टार्ट। ओके, डेफिनेटली यस। और बच्चों मैं मॉर्निंग में ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप लोगों का लेक्चर ना आई थिंक 9 AM से होता है मॉर्निंग में, तो मैं 8:30 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ सी बैच में। तो कुछ बच्चे वहाँ पे ज्वाइन हुए थे आज, आई थिंक समीरा आप ज्वाइन हुई थी मॉर्निंग में। यस सर। यस बिल्कुल। तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चल रही है, ऑब्वियसली आपको चीजें बहुत ही क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा अलग ही लेवल से चल रहा है, और पिछले जो लेक्चर्स हो चुके हैं आप उन लेक्चर्स को एक बार रिवीजन करो, और कहीं कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे डिस्कस करना, ठीक है। कोई भी स्क्रीनशॉट में कहीं भी कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो मेरे साथ डिस्कस करना, क्लियर। यस। तो बाकी भी मैं सभी बच्चों से बोलता हूँ कि अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है बच्चों तो मॉर्निंग में एक, यस, बाई के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो बाई आपका एक वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म, ठीक है, ऑन बाई एक्सिस, ऑन बाई एक्सिस, ठीक है, वेरिएबल टर्म है ऑन बाई एक्सिस। यहाँ पे मैं बात करूं कि एक्स का मीन क्या है, एम का मतलब क्या है, तो पहले एम को समझते हैं, ठीक है। तो एम का मतलब है बेटो, एम इज द स्लोप, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ दी कर्व, ठीक है। जो भी कर्व होंगे उनके स्लोप बेटा हम स्मॉल एम से हम करेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंट। नाउ कम्स एक्स का मीन क्या है, तो एक्स भी बच्चों आपका क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरिएबल टर्म, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरिएबल टर्म ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यूज आएगी, कोई टर्म आएगा, वो एक्स में पॉजिटिव एक्स हो सकता है, निगेटिव एक्स हो सकता है। नाउ कम्स व्हाट इज द मीन ऑफ सी, तो सी का मतलब बेटा कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज द मीन ऑफ सी, सी का मतलब क्या है, सी इज कॉन्स्टेंट, सी का मतलब है बेटा सी इज द इंटरसेप्ट, सी इज द इंटरसेप्ट ऑन व्हिच एक्सिस बच्चों, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे ये आपको इंटरसेप्ट देखने को मिलेगा। अभी क्वेश्चन है कि यहाँ पे बाई की पावर भी क्या है, वन दिख रही है, एक्स की पावर भी आपको वन दिख रही है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे बाई की पावर वन, एक्स की पावर वन, दिस इज एक्चुअली द डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं इसको चेंज करके लिखूं तो ये हो जाएगा डेल बाई, डिवाइड बाई डेल एक्स, ठीक है, डेल एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। मैंने क्या किया है, ये जो चेंज है उसको मैंने इधर लेके आया, तो डेल बाई डिवाइड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम इस तरीके से इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन और क्वेश्चन क्वेश्चन अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले ग्राफ को स्टडी पूरा कर लेते हैं। तो पहले समझ में आ गया कि मैंने लिखा है बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। बाई का मतलब है वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव बाई और नेगेटिव बाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझो आप इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ठीक है। इधर बात करेंगे तो ये पॉजिटिव एक्स मिलेगा, इधर बात करेंगे नेगेटिव एक्स मिलेगा, ऊपर पॉजिटिव बाई मिलेगा और नीचे की तरफ आपका नेगेटिव बाई मिलेगा, ठीक है। हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आपने इसे कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा होगा, ये आपका प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा माइनस माइनस, और इधर आपने पढ़ा होगा प्लस एंड माइनस। ये डिफरेंट टर्म आपने इस तरीके से, डिफरेंट कोऑर्डिनेट, फोर कोऑर्डिनेट होते हैं, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अगर थोड़ा बहुत आपको बताया गया है फिजिक्स में तो आपने जरूर देखा होगा, उसको छोड़ दो, मैं बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री को लेके। तो यहाँ पे बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर जगह वर्क करेगा बच्चों, ठीक है, ये हर चैप्टर में वर्क करेगा, जहां जहां ग्राफ के बारे में डिस्कशन होगा। और हर साल कम से कम 2 to 3 क्वेश्चन ग्राफिकल बेस आते हैं, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो इक्वेशन को क्लियर कर लो,
बाई जो है वो वेरिएबल ऑन बाई एक्सिस है, एक्स के मध्य में वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव में एक्स कुछ वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव में कुछ वैल्यू हो सकती है, सी आपका इंटरसेप्ट है बाई एक्सिस पे, तो बाई पे ही मूव करेगा। अगर सी की वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे, एम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, वो सारी के सारी केस में करने वाला हूँ डिस्कस। तो अभी ये समझ में आ गया बाई का मीन क्या है, एम का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है और सी का मतलब क्या है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे केसेस। तो फर्स्ट केस मैं आपको यहाँ ले रहा हूँ, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए जब बेटा स्लोप, ध्यान दो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ फर्स्ट केस में, अगर जो स्लोप है उसकी वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन जीरो हो रही है, ध्यान देना। तो नाउ क्वेश्चन इज दिस कि इंटरसेप्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटरसेप्ट में क्या चेंज होगा, तो बच्चों हम लोग कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा मुझे। कैपिटल एम की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, पहला केस, एक फर्स्ट केस, बहुत सारे केसेस में लेने वाला हूं इसको, मैं और एक क्लियर कर देता हूं कि एम की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और सी की वैल्यू भी अपन ले लेते हैं चलो ग्रेटर देन जीरो, बाकी और भी केसेस में एक्सप्लेन करूंगा दोनों के साथ। एम की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, सी की वैल्यू भी है ग्रेटर देन जीरो, एम आपका स्लोप है, सी आपका वो आपका इंटरसेप्ट है बाई एक्सिस पे। नाउ कम्स इक्वेशन, इक्वेशन को पहले समझते हैं, इनकी वैल्यूज को जरा समझते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करता हूं एट बाई इज इक्वल टू जीरो, भाई एट बाई इज इक्वल टू जीरो, मैं बाई को जीरो, बाई को मैं बाई जो कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है, बाई जो वैल्यू आपको दिख रही है, बाई जो वेरिएबल है उसको मैंने इनिशियली माना है जीरो। तो जब मैं, जब मुझे किसी दूसरे की वैल्यू निकालनी होती है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो बाई को जीरो कर लो, अगर आपको बाई की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को जीरो कर लो। तो सबसे पहले मैंने बाई को जीरो किया, बाई को मैंने जीरो पुट करूंगा तो जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एम एक्स प्लस सी, और यहां से जरा निकालो आप एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आएगी बताओ मुझे, एक्स क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आप एम एक्स यहाँ पे ले लो, ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव में डिफाइन होगा ना, ये पूरा का पूरा एम एक्स मैंने इधर लिया है, माइनस में होगा, ये सी हो जाएगा राइट। और इसके बाद मैं लिखूं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू, तो माइनस हो जाएगा सी डिवाइड बाई एम, सभी को बात समझ में आ रही है, माइनस सी डिवाइड बाई एम, और ये जो वैल्यू है ऑब्वियसली नेगेटिव में ही है, तो जो सी, जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव का मतलब क्या है, लेस देन जीरो। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, बताइए बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा मैं आपको अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए, यस लेस देन जीरो। अब यहाँ पे समझना, तो यहाँ पे जब मैंने बाई की वैल्यू जीरो पुट की थी तो एक्स की वैल्यू बच्चों आपको ये निकल के आई, तो मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स और बाई की वैल्यू निकल के आ गई, मतलब वैल्यूज क्या बच्चों निकली, यहाँ पे माइनस सी डिवाइड बाई एम एक्स की वैल्यू है कॉमा, हम लिखते हैं एक्स कॉमा बाई, तो बाई की वैल्यू यहाँ पे आपकी जीरो है, तो एक कोऑर्डिनेट मैंने ये निकाल, करेक्ट है, इसको मान लेते हैं अपन एक्स वन, इसको मान लेते हैं बाई वन। अब चलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट को निकालने, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है, मुझे कर्व को डिफाइन करना है, तो सेकंड पे बात करते हैं। तो अब क्या करें, सेकंड बेटा एट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकल के आएगी, जनरल इक्वेशन आपकी यही थी बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जरा एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो बच्चों, जब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो बाई इज इक्वल टू आ जाएगा एम इन टू जीरो प्लस सी ना, ये पूरा का पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा, तो बाई इज इक्वल टू निकल के आ गया आपका सी, ये बात समझ में आ रही है, बाई इज इक्वल टू सी निकल के आ गया, सी आपका पॉजिटिव में है, तो बाई की वैल्यू जो भी है वो पॉजिटिव में आ रही है ना, तो इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आपका जो क्वाड्रेंट डिफाइन हो जाएगा वो क्या होगा बताओ बेटा, एक्स की वैल्यू जीरो हो गई है, बाई की वैल्यू ऑटोमेटिक सी निकल के आ रही है, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है बताओ, बहुत ही सिंपल तरीके एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, सीधा नहीं बोल रहा हूँ, ग्राफ को रट्टा मारकर रख लो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, उससे आपको चीजें समझ में आएंगी, कोई लिंक नहीं भेजने वाला मैं कि आप क्वेश्चंस को, मैं क्वेश्चंस खुद बताऊंगा, चीजें खुद बताऊंगा, समझ में आपको आ जाएगा, करेक्ट, यहाँ तक सभी क्लियर है, एक्स वाई के बिल्कुल कोऑर्डिनेट क्लियर हो चुके हैं। चलो अब चलते हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, तो देखते हैं हमारा ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा। तो बच्चों क्या करते हैं अपन, पहले वो कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, फर्स्ट आपका आया था माइनस सी डिवाइड बाई एम कॉमा जीरो, एक ये आया था, और दूसरा आपका आया था जीरो कॉमा सी, इसको अपन मान लेते हैं एक्स वन कॉमा बाई वन, ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्स टू कॉमा बाई टू। अब करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट, ध्यान देना, मैंने इसको मान लिया एक्स एक्सिस, इसको मान लिया मैंने बाई एक्सिस, ठीक है, एक्स मान लो, इसको एक्स डैश मान लो, जो भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव टर्म है, ये नीचे आप बाई डैश मान लो, और बीच में कोऑर्डिनेट आपका जीरो कॉमा जीरो आप डिफाइन कर सकते हो वहां पे। अब सुनो ध्यान से क्या होने वाला है, फर्स्ट केस में क्या है, माइनस सी डिवाइड बाई एम कॉमा जीरो, एक्स की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो नेगेटिव का मतलब बच्चों यहाँ पे मान ले कहीं भी किसी की जगह यहाँ पे, अब एक्स की वैल्यू तो माइनस में आ चुकी है सी बाई एम, लेकिन बाई की वैल्यू क्या है जीरो, तो बाई तो ऊपर निकली इजी क्या है ना,
तो बाई तो जीरो पे मतलब यहाँ फिक्स रहा, यहाँ पे फिक्स रहा, तो ये जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट आपको रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये करेगा माइनस सी डिवाइड बाई एम कॉमा जीरो, ठीक है। अरे भाई एक्स की वैल्यू आई ना नेगेटिव में, तो नेगेटिव के साइड में चला, लेकिन बाई में कोई चेंज ही नहीं हुआ, ना बाई ऊपर गया ना बाई नीचे गया, तो बाई तो अपनी जीरो पोजिशन पे है। तो ये कोऑर्डिनेट जो आपको दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेट डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर रहा है उस एक्स वन कॉमा बाई वन को, इस पॉइंट को, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को। अब आते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में है जीरो कॉमा सी, एक्स की वैल्यू जीरो है, तो अगर एक्स की वैल्यू, तो एक्स में कोई चेंज नहीं, एक्स इधर जाएगा ना एक्स इधर जाएगा, वो जीरो पे ही रहेगा, लेकिन बाई की वैल्यू क्या आ रही है, सी पॉजिटिव में आ रही है, तो पॉजिटिव में आने का मतलब ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज जीरो कॉमा सी। मेरी बात समझ में आ रही है, दोनों कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, दोनों कोऑर्डिनेट को हम लोग यहाँ मीट करा देते हैं, करा दिया मैंने मीट, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, परफेक्ट। तो ये जो कर्व आपको दिख रहा है, ये कर्व आपका बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या यहाँ पे आपका जो एम है वो ग्रेटर देन जीरो, और जो इंटरसेप्ट है वो क्या आपका ग्रेटर देन जीरो निकल के आ रहा है, बताओ बताओ जरा, परफेक्ट डिफाइन हो रहा है सभी को, ओके पहला कर्व समझ में आ गया किस तरीके से जा रहा है, अब बाकी कर्व मैं देने वाला हूं, आप निकालोगे, बताओ मुझे, कैन यू प्लॉट, यस, चलो अब देखते हैं हम लोग बाकी जो बचे हुए कर्व हैं, ठीक है, एक बार देखता हूं आप लोग कैसे निकालते हो। सेकेंड मैंने दिया है बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें मैंने कंडीशन चेंज कर दिया है, जो स्लोप है वो मैंने किया है ग्रेटर देन जीरो, इंटरसेप्ट किया है लेस देन जीरो, इंटरसेप्ट किया है मैंने लेस देन जीरो, कर्व हमारा किस तरीके से फॉर्म होगा, थोड़ा लगाओ दिमाग लगाओ, सेकेंड केस है ये, फर्स्ट केस मैं बता चुका हूँ, कोशिश करो जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो देखो अभी इसको आप सीधा भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे ऐसे कुछ है नहीं है कि आप जो पूरे, अगर आपको पता है बेसिक क्वेश्चन तो उसको फॉलो करो, एक्स वाई की वैल्यू जीरो को उठा के पुट करो, आंसर निकालो, लेकिन यहाँ समझो यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्लोप आपका पॉजिटिव है, ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ जा रहा है, और इंटरसेप्ट आपका क्या है, लेस देन जीरो है, इंटरसेप्ट जब पॉजिटिव में था, सी ग्रेटर देन जीरो था, तो पता है कर्व किस तरीके से गया था, ये कर्व इस तरीके से मूव किया था, ठीक है। अभी यहां से क्या हो रहा है कि इंटरसेप्ट जो है वो कैसा है आपका, बिल्कुल इंटरसेप्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो का मतलब क्या है, लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा कि कर्व हमारा किधर से जाएगा, स्लोप तो, हाँ देखो स्लोप, स्लोप जो है वो तो पॉजिटिव में आ रहा है ना, वन सेकेंड, स्लोप जो है एम जो दिख रहा है वो तो पॉजिटिव में है, वो तो इंक्रीजिंग कर्व बनेगा, उससे मतलब ही नहीं है मुझे, सी आपका होना चाहिए लेस देन जीरो का मतलब ये नेगेटिव इंटरसेप्ट आना चाहिए, पर नेगेटिव वाला इंटरसेप्ट ना ये बाई को नेगेटिव में ही कट करेगा, ध्यान से समझ लो, इसके पहले मैंने क्या बताया था, सी जो है ना वो ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब पता है क्या, वो ऊपर की तरफ कट किया था बाई, बाई ऊपर ना ऊपर की तरफ कट किया था, अभी ग्राफ तो इंक्रीजिंग बनेगा बिकॉज स्लोप पॉजिटिव है, तो ग्राफ इंक्रीजिंग जाएगा, स्लोप पॉजिटिव मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, पहले वाले केस में भी इंक्रीजिंग गया था, लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव था ना, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव बाई को कट किया था ना उसने, अभी इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बाई को, मैंने आपको बोला था ना इंटरसेप्ट का मतलब क्या, इंटरसेप्ट का एक्चुअली मीन मैंने आपको बोला हुआ था कि इंटरसेप्ट का मतलब है इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस, बाई एक्सिस वो कहीं कट करेगा, तो यहाँ पे लेस देन, तो सी क्या है नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव बाई कहां मिलेगा, नीचे की तरफ, तो ग्राफ आपका कहां से जाएगा बताओ मुझे, ग्राफ कुछ यूं जाएगा, ध्यान से देखो ग्राफ इस तरीके से मूव करेगा ना, ये नेगेटिव बाई आपको दिख रहा है ना, यही तो वैल्यू आपकी सी की है, बताओ नेगेटिव बाई दिख रहा है ना, तो वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज इंटरसेप्ट बाई पे बाई एक्सिस को ही कट करते हुए दिखाया जाएगा, बाकी स्लोप आपका पॉजिटिव हो गया, ये ग्राफ समझ में आ गया, इसके बाद और भी ग्राफ करते हैं ना तो और भी समझ में आएगा, ध्यान दो, मैं नेक्स्ट लेता हूं थर्ड केस, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे मैं कर लेता हूं कि जो स्लोप है वो ग्रेटर देन जीरो है, जो इंटरसेप्ट है वो इज इक्वल टू जीरो है, चलो नेक्स्ट केस लेता हूं मैं, ठीक है, इंटरसेप्ट आपका जो है वो इज इक्वल टू जीरो है, सॉल्व करो क्या आंसर होना चाहिए, बताओ बच्चों क्या होगा, देखो इंटरसेप्ट क्या है आपका इज इक्वल टू जीरो है, तो इज इक्वल टू जीरो का मतलब समझ में आता है क्या होना चाहिए, इंटरसेप्ट जीरो का मतलब पता है कि ना तो बाई एक्सिस पे ऊपर कट करेगा ना बाई एक्सिस पे नीचे कट करेगा, ये ध्यान दो, बाई एक्सिस मतलब एक्स ये है बाई ये है, तो ना तो ऊपर जा रहा है, अगर यहाँ पे इंटरसेप्ट ग्रेटर देन जीरो होता तो बाई एक्सिस को ऊपर कट करता ना, पॉजिटिव में कट करता, मतलब ग्राफ यूं जा रहा होता, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे
आपका इंटरसेप्ट जो है ना वो आपका लेस देन जीरो होता तो आपको नेगेटिव में कट करता हुआ दिखता, लेकिन यहां तो क्वेश्चन में है कि जो हमारा इंटरसेप्ट है वो इज इक्वल टू जीरो है, तो बाई एक्सिस को ना तो ऊपर पॉजिटिव में कट करने वाला है नेगेटिव में कट करने वाला है, तो फिर कहां पे कट करेगा, तो जीरो से पास होगा। अब ना क्वेश्चन हमारा ये है कि ग्राफ किस तरीके से जाना चाहिए, स्लोप आपका पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो मतलब ग्राफ हमारा कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से, ध्यान दो बच्चों, ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका मूव करेगा फ्रॉम ओरिजिन। बिल्कुल प्राची, परफेक्ट, फ्रॉम ओरिजिन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एक केस और लेता हूं मैं, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का नेक्स्ट में लेता हूं केस, ग्रेटर देन जीरो हो चुका है, नेक्स्ट लेता हूं मैं, चलो यहाँ पे स्लोप लेस देन जीरो और इंटरसेप्ट इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान दो, अब बताओ आंसर, इंटरसेप्ट अभी भी जीरो है लेकिन स्लोप आपका निगेटिव में ले लिया मैंने, स्लोप मैंने आपका निगेटिव में ले लिया है, बताओ चलो दिस इज नेगेटिव। अब ग्राफ किस तरीके से जाएगा, तो ग्राफ पहले बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो ग्राफ हमारा किस तरीके से जाएगा, जहां पे इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट आपका इज इक्वल टू जीरो हो रहा है, बिल्कुल सही, स्लोप आपका लेस देन जीरो हो रहा है, तो ग्राफ हमारा पास करेगा, आप चेक या आप लोगों ने बनाया होगा डेफिनेटली, ग्राफ हमारा इस तरीके से चेक करो, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, यस सेकेंड एंड फोर्थ, बिल्कुल प्राची है, यस बिल्कुल हर्षदा, बिल्कुल सही आंसर है, परफेक्ट। तो आप लोग चेक करो जरा, ग्राफ हमारा इस तरीके से मूव करेगा, यस। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नेक्स्ट केस में लेता हूं कि जहां पे आपका जो स्लोप है वो बेटा आपका लेस देन जीरो है और जो इंटरसेप्ट है वो ग्रेटर देन जीरो है, सॉल्व करो हमारा ग्राफ किस तरीके से जाएगा बताओ। तो पहले आप ग्राफ बना लो यहाँ पे एक्स या आपका वाई, बताओ इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव में जाने का मतलब पता है कि वाई एक्सिस को बेटा किधर कट करेगा, वो पॉजिटिव में ही कट करेगा, ठीक है ना, ऊपर की तरफ ही कहीं कट करेगा, स्लोप आपका नेगेटिव में है, बस ये ध्यान देना है, स्लोप आपका जो है वो नेगेटिव में है, इंटरसेप्ट जो आपका है वो आपका ग्रेटर देन जीरो है, बताओ जरा, स्लोप आपका जीरो है, इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव में है, तो ग्राफ किधर से जाएगा, वाई एक्सिस को ऊपर ही कट करेगा, मतलब नीचे कहीं कट नहीं करने वाला, ऊपर ही कट करेगा, अब ये ऊपर जब कट करेगा लेकिन स्लोप तो यहाँ पे बेटा भाई नेगेटिव में है ना, तो स्लोप नेगेटिव होने का मतलब ग्राफ यूं है, चेक कर लो आप लोग, ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका मूव करेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट मैं लेता हूं यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नेक्स्ट केस लेता हूं, जब आपका स्लोप हो गया है बच्चों जीरो, ध्यान दो स्लोप हो गया आपका जीरो और इंटरसेप्ट हो गया आपका ग्रेटर देन जीरो, अब बताओ अब ग्राफ हमारा किस तरीके से जाएगा, मैंने डिस्कशन किया है स्लोप लेस देन जीरो, इंटरसेप्ट ग्रेटर देन जीरो हो गया है, नेक्स्ट केस है स्लोप अगर जीरो है लेकिन इंटरसेप्ट आपका क्या है वो आपका पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में मतलब पॉजिटिव बाई एक्सिस को कट करेगा, लेकिन स्लोप हमारा जीरो हो गया है, किसी का कोई डाउट है, मैं देखता हूँ एक सेकंड, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में बोला है प्राची, ओम ने बोला है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, सी जो इंटरसेप्ट है ना वो आपका ग्रेटर देन जीरो हो रहा है ये समझो, और स्लोप जो है ना वो आपका जीरो है, तो कहां से पास होगा मुझे बताओ, पॉजिटिव से कहीं दिखेगा, पॉजिटिव में कहीं बाई कट होगा, मतलब ये एक्स ये बाई, बाई कहीं ना कहीं पॉजिटिव में कट होने वाला है ना, बाई कहीं ना कहीं पॉजिटिव में ऊपर ही कट होने वाला है, नीचे नहीं आने वाला, लेकिन ये आपका जो स्लोप है एम इज इक्वल टू जीरो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मेरी बात समझ में आ रही है, रिएक्शन जो आपकी लाइन जाएगी वो आपकी पैरेलल टू, ओम ने बिल्कुल सही बताया यहाँ पे, रिएक्शन जो आपका ये जाएगा ये आपका बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये जो आपको लाइन दिख रही है ये डेफिनेटली बिल्कुल तो यही रिप्रेजेंट करेगी कि जहां पे स्लोप आपका जीरो है और इंटरसेप्ट ग्रेटर देन जीरो हो गया है, ठीक है। अच्छा एक लास्ट केस और डिस्कस करूंगा मैं, ध्यान दो, एक लास्ट केस में ले रहा हूं कि जहां पे बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है लेकिन आपका स्लोप है वो जीरो है और इंटरसेप्ट आपका लेस देन जीरो है, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट छोटे जो आपके कर्व्स हैं अकॉर्डिंग टू नीट एग्जाम उसको समझना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ा है, जो बाकी जो नीट के स्टूडेंट्स जो पीसीएमबी के हैं आई थिंक उनको मैथमेटिक्स पढ़ाया गया है, वो ज्यादा कुछ पता होगा इन चीजों के बारे में, तो बताओ बाईस इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जहाँ पे आपका इंटरसेप्ट निगेटिव में, मतलब पता है क्या, इंटरसेप्ट बाई एक्सिस को ही कट करता है लेकिन निगेटिव में वैल्यू आ रही है, तो निगेटिव वैल्यू ये बता रही है कि भाई साहब कहीं ना जो बाई एक्सिस है वो निगेटिव में ही कट होने वाला है,
ये एक्स पॉजिटिव है, ये वाई ऊपर का पॉजिटिव है, नेगेटिव में कट होने वाला है। अब नाउ क्वेश्चन इज दिस कि ये लाइन कहां से पास होनी चाहिए, ये लाइन कहां से आपकी जा थर्ड एंड फोर्थ पैटर्न पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑन नेगेटिव वाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑन एक्सिस ऑन नेगेटिव वाई, इट इज करेक्ट बच्चों? बिल्कुल यस, नेगेटिव में कट करें तो बाई नेगेटिव में तो अपन को यही मिलने वाला है, ये वाला सेक्शन आपका नेगेटिव का है ना, तो नेगेटिव बाई तो यही मिलने वाला है, तो बाकी आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो आपके जाने वाली है बिकॉज स्लोप कैसा है जीरो। बात समझ में आ गई, कुछ बेसिक कर्व मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इनको आपको रखना है ध्यान। चलो अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान देना, कुछ बेसिक यूनिट्स आपको पता होंगी, ठीक है, कुछ बेसिक यूनिट और उनके सिंबल, ठीक है, मैं इसके जो कुछ स्क्रीनशॉट्स कुछ हैं वो मैं आपको जरूर सेंड करूंगा, ठीक है, ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आप उनको देख लेना एक बार, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है। इधर मैं लिखूंगा क्वांटिटी। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि यूनिट की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बच्चों तो हम बात करेंगे किलोग्राम, फर्स्ट पॉइंट इज किलोग्राम केजी, तो किलोग्राम को हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज अ सिंबल, बट व्हाट इज द क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब बच्चों इसमें मास, यस। सेकंड अगर मैं बोलता हूं मीटर, सेकंड अगर मैं बोलता हूं मीटर, बताओ मुझे मीटर का सिंबल तो आपको पता ही है, स्मॉल एम से करेंगे रिप्रेजेंट, लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछता हूं सेकंड, तो सेकंड को बेटा हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, बाकी हाँ स्मॉल एस, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा क्वांटिटी बच्चों, टाइम, परफेक्ट। नेक्स्ट अगर मैं पूछता हूँ एम्पियर, नेक्स्ट मैं पूछूंगा आपसे एम्पियर, एम्पियर को बेटा हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कैपिटल ए से, परफेक्ट। बताओ बेटा इसका क्वांटिटी, करंट, यस, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, यस। इसके बाद नेक्स्ट मैं पूछूंगा केल्विन, नेक्स्ट मैं पूछूंगा आप लोगों से केल्विन, केल्विन के लिए बड़ा सिंबल कैपिटल के, बिल्कुल सही। और यहाँ पे क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो टेम्परेचर, यस परफेक्ट, टेम्परेचर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा मोल, ये देखो मोल आ गया, इसी के बारे में पढ़ना है, मोल, हाँ मोल का बताओ बच्चो, मोल, एम ओ एल आएगा सिर्फ, ठीक है, और बेटा इसकी क्वांटिटी मतलब बिल्कुल सही, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यही तो मोल पढ़ना है अपन को, ये वाला मोल पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद बच्चों एक और आता है कैंडला, कैंडला के बारे में मैं यहीं पे आपको डिस्कस कर देता हूँ, बताओ जरा। नेक्स्ट है आपका कैंडला, इसके बारे में सुना यस, हाँ किससे करते हैं थोड़े सिंबल, सीडी, सीडी स्मॉल, और ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बिल्कुल सही, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये कुछ आपके कॉमन यूनिट्स हैं, उनके बारे में मैंने डिस्कशन किया है क्योंकि इनको जानना काफी जरूरी है। अब हम बात करेंगे कुछ अदर पॉइंट्स की तरफ, तो बच्चों में एक तरफ लिखूंगा फैक्टर, नेक्स्ट इज नेम, और इसके बाद में लिखूंगा यहाँ पे सिंबल, ठीक है, आपको बताना है। फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं बोलूंगा 10^24, इसको बच्चों हम लोग किस नाम से कॉल करते हैं बताओ मुझे, कुछ कॉमन है, इम्पोर्टेंट है, इनको जानना जरूरी है, 10^24 को, यस संदेश बताओ बेटा, 10^24 सिंबल, इसका मैं हिंट कर देता हूं, सिंबल इज कैपिटल बाई, थिंक करो बताओ, 10^21 मैं सिंबल कर देता हूँ कैपिटल जेड, बताओ क्या नाम होगा, जेक्टो, मेगा नहीं, मेगा नहीं, मेगा तो 10^6 होता है बेटा, हाँ फर्स्ट में क्या होगा, बिल्कुल सही, बाई ओ डबल टी ए, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट 10^21 जेक्टो, जेक्टो टी ए डबल टी ए, 10^18 ये बहुत जगह फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत जगह आपको देखने को मिलेंगे ये चीजें, इसलिए पहले इनके बारे में जान लो, आपको मूल कॉन्सेप्ट में सब कुछ पढ़ाया गया होगा, मुगल्स के फॉर्मूले हर चीज पढ़ाई गई होगी, लेकिन ये चीजें पहले मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मेरे जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पे ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, इसलिए आपको एटलीस्ट जानना जरूरी है। 10^18
इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, कैपिटल ई से, एग्जा, ठीक है, एक्स ई, बिल्कुल सही। 10^15 एटा, यस, पीई, पीए, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी। नेक्स्ट बच्चों 10^12 टेरा, टेरा, परफेक्ट, टी आर ए, टेरा, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। इसके बाद नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा यहाँ पे 10^9 10^9 सभी को पता है गीगा, ठीक है, गीगा हर्ट्ज के बारे में पढ़ते हैं ना हम लोग, गीगा, तो इसका सिंबल बच्चों कैपिटल जी। नेक्स्ट में पूछूंगा 10^6 बताओ मेगा, जैसा भी ओमी ने बताया था स्टार्टिंग में, यस, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। नेक्स्ट में पूछूंगा 10^3 बताओ मुझे, किलो, ये तो पता है सभी को, किलो कितनी बार यूज कर चुके होंगे आप, रिप्रेजेंट बाय के, स्मॉल के या कैपिटल के, स्मॉल के, स्मॉल के, ऊपर वाले सब कैपिटल के, कैपिटल में रहते हैं, ये वाले स्मॉल के में रहते हैं, स्मॉल में रहते हैं नीचे वाले सारे, 10^3 के नीचे वाले इंक्लूडिंग 10^3। नेक्स्ट 10^2 को हम क्या बेटा बोलेंगे, हेक्टो, यस, हेक्टो, यस, स्मॉल एच। नेक्स्ट बात करूं 10^1 इसे क्या बोलेंगे, डेका, डेका बोलेंगे, बिल्कुल सही, सभी को पता होना चाहिए, डी ए से करेंगे रिप्रेजेंट, ओके, आपको बहुत पता है, सीरियसली ब्रिलियंट। नेक्स्ट लोग पूछूंगा बताओ मुझे, अब मैं पूछूंगा 10^-1 बताओ इसका, डेसी, बिल्कुल सही, रिप्रेजेंट बाय स्मॉल डी। नेक्स्ट पूछूंगा 10^-2 बताओ, सेंटी, सेंटी, बिल्कुल सही, परफेक्ट, स्मॉल सी। नेक्स्ट पूछूंगा 10^-3 मिली, यस, मिली, मिली, हजारवां भाग है ना, हजारवां भाग होता है, कितना होगा, स्मॉल एम। नेक्स्ट मैं बोलूंगा 10^-6 बताओ, माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो होगा, यस, छोटे सिंबल, या होगा ना, हाँ, बिल्कुल। 10^-9 नैनो, यस, नाइन से याद रखते हैं नैनो को, ठीक है, यस, सिंबल इज स्मॉल एन। नेक्स्ट मैं पूछूंगा 10^-12 पिको, पिको, बिल्कुल सही, सिंबल इज स्मॉल पी। नेक्स्ट पूछूंगा 10^-15 फेमटो, फेमटो आएगा ना, फेमिनी, फेमटो पूरा, यहाँ पे हम बोलेंगे स्मॉल एफ। इसके बाद नेक्स्ट 10^-18 बताओ क्या होगा, एटो, यस, ए डबल टी ओ, यहाँ पे सेपेंड बाई स्मॉल ए। 10^-21 जेप्टो, परफेक्ट, ये किसको पता है, नाम क्या बेटा आपका, हर्षदा, ओ ग्रेट, आपको तो याद है पूरा बहुत अच्छे से। 24 ये आपको पढ़ाया गया ना पहले, यस, योक्टो, फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा, हाँ बिल्कुल, डीसी सर ने पढ़ाया होगा, परफेक्ट, डीसी सर ने पढ़ाया होगा ना, यस सर, हाँ यस सर, ओके 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 ओके, ठीक है, चलो यहां तक आपको पता है, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट, अब मैं बात, बाकी आपको एरिया वॉल्यूम के बारे में पता है, एक मैं फॉर्मूला आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ जरा, रेक्टेंगुलर सॉलिड का सरफेस एरिया कितना होगा, रेक्टेंगुलर सॉलिड का सरफेस एरिया तो क्या फॉर्मूला होगा बताओ जरा, रेक्टेंगुलर, मैं बना देता हूं एक बार सॉलिड यहाँ पे, एल इन टू बी इन टू एच, वॉल्यूम होता ही है, कहते थे बेटा दिस इज एक्चुअली वॉल्यूम, लेंथ ब्रीथ हाइट का मल्टीप्लीकेशन है ना, वो वॉल्यूम होता है सर, ये रेक्टेंगुलर, ये सॉलिड है, ब्लॉक है ये पूरा, वो तो वॉल्यूम होता है आपने जो बताया, अगर वॉल्यूम के बारे में बोलेंगे ये तो बिल्कुल सही है, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, करेक्ट है, लेकिन मैंने पूछा है सरफेस एरिया ना, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा बताओ मुझे, 2 into length plus width, आपको मानना पड़ेगा ना कि जो रेक्टेंगुलर सॉलिड है उसको आपको एक तरीके से एज्यूम करना पड़ेगा, इट विल वर्क एज ए क्लोज्ड बॉक्स, आप माचिस पता है ना, माचिस, मैच बॉक्स,
क्लोज्ड बॉक्स, क्लोज्ड बॉक्स की तरह आपको ट्रीट करना पड़ेगा इसको, बिल्कुल ट्रीट करना पड़ेगा। जहां पे साइड कितनी होंगी बताओ, 6 साइड लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना, बताओ मुझे, आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या आंसर बनेगा। हाँ कोई कोई बता रहा था मुझे आंसर, टू इंटू लेंथ इंटू हाइट कर लेते हैं पहले, बिल्कुल प्लस टू इंटू हाइट इंटू ब्रीथ कर लेते हैं, प्लस टू इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ कर लेते हैं, करेक्ट। बस दिस इज एक्चुअली सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आपका ये हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? यस सर। हाँ यार संदेश, मैंने चैट नहीं देखा था, लेकिन मैं चैट बिल्कुल देख लूंगा आपका, ऐसा नहीं है, मैं सभी को देखता हूँ, मैं एक्चुअली फॉर्म लिख रहा था, ठीक है संदेश, परफेक्ट। खतीजा ओके, ओम लेट इन टू ब्रीथ, ओम बेटा, संदेश आपने बताया था बिल्कुल करेक्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलो बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाउ वी विल कम सिलेंडर, तो सिलेंडर्स के बारे में देखते हैं एक बार। यस, नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे अपन सिलेंडर्स के ऊपर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सिलेंडर की बच्चों बात करते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम, सिलेंडर पता है ना कुछ इस तरीके से होता है, सभी को पता है इस तरीके से, ठीक है, जिसमें एक रेडियस होती है यहाँ पे आर, और यहां से लेके यहां तक आपकी रहेगी यहाँ पे हाइट एच, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बच्चों कैसे, ऊपर जो है स्फीयर जो दिख रहा है, तो पहले तो उसका जो सर्किल वाला पार्ट है उसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब वो तो उसका एरिया हो गया ऊपर वाला, और हाइट का मल्टीप्लीकेशन कर दो सीधा, करेक्ट, यस, इनटू एच, हो गया आपका ये वॉल्यूम। इसके बाद निकालो मैं सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होगा बताओ मुझे, टू इंटू क्या होगा बताओ मुझे, टू इंटू पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, 2 पाई आर अलग करके लिखूं मैं, अलग करके 2 पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस आपका 2 पाई आर इनटू एच, करेक्ट है, देख लो करेक्ट है क्या, क्लोज कंटेनर लेके ही सॉल्व करना है, जिसमें टॉप एंड बॉटम को ध्यान देना है, टॉप ऊपर है नीचे आपका बॉटम, टॉप बॉटम को लेके ध्यान रखना है, दिस इज सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर। नेक्स्ट मैं बात करूंगा स्फीयर के बारे में, स्फीयर, स्फीयर आपको पता है, स्फीयर में हम लोग रेडियस आपको देखने वाली है, क्लोज्ड है सॉलिड है, तो सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ मुझे, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको, बहुत बार इसको लिखते हैं हम लोग क्या, पाई इंटू डी का स्क्वायर, ऐसे भी लिख लेते हैं सर, वॉल्यूम 4 बाई 3 पाई आर क्यूब ना, हाँ क्यूब क्यूब, वो लिखा नहीं, वो एक्चुअली कोई बच्चा ज्वाइन हो रहा था उस समय, वो मैं लिखता हूँ तो वो लिखता नहीं उसमें, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, ओके। नेक्स्ट आते हैं कौन, लास्ट ये ही कौन, तो कौन के बारे में बात करते हैं, तो कौन तो आपको पता होगा, कौन कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, जहां पे आपका ये वाला सेक्शन यहाँ से रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये स्लेंट हाइट होती है आपको पता होगा, मैंने मैथमेटिक्स बहुत पहले पढ़ा था, मुझे नहीं पता, ठीक है, ये स्लेंट हाइट होगी और ये आपकी नॉर्मल हाइट होगी, ठीक है, बताओ इसमें पहले वॉल्यूम के बारे में बताओ, क्या होगा वॉल्यूम, 1 बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सरफेस एरिया क्या होगा इसका, सरफेस एरिया पाई आर इनटू स्लेंट हाइट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या बताया, स्लेंट हाइट ना, पाई आर इनटू स्लेंट हाइट, बिल्कुल, और प्लस नीचे भी तो देखो, नीचे बॉटम पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पाई आर स्क्वायर पूरा, तो ये हो जाएगा आपका परफेक्ट कंप्लीट सरफेस एरिया फॉर द कॉन। अब बट बच्चों चलो मैं बात करता हूं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर के बारे में आपको बेसिक इक्वेशन पता है, तीनों का रिलेशन, डिग्री सेल्सियस माइनस जीरो डिवाइड बाई कितना होता है 100 इज इक्वल टू फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाई कितना होता है 180 तक होता है ना, करेक्ट, यहाँ पे रिलेशन में लिख रहा हूं सीधा, यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या, यहाँ से फारेनहाइट का हो गया है, अभी सेल्सियस का केल्विन, बताओ बच्चों नेक्स्ट, क्योंकि मैं टी माइनस 273 जो टेम्परेचर डिवाइड बाई नीचे क्या 100, करेक्ट है क्या, बताओ मुझे, यस सर, एब्सोल्यूट जीरो, उसके रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे क्या किया, पूरा का पूरा कर्व आपका रिप्रेजेंट किया है। अब
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है, ये सारे के सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं वापस से लॉज की तरफ और लॉज को हम लोग करेंगे स्टडी। जब हम लोग एक दो टर्म आ रहे हैं इसी में ही मोल कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही आएंगे, मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान देना, एक टर्म में लिखने वाला हूँ ई डबल एफ एल ओ आर ई एस सी ई एन टी, ठीक है, सबस्टेंस। तो सबस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ्लोरेसेंट सबस्टेंस क्या होते हैं, पहली चीज ये, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, हाइग्रोस्कोपी सबस्टेंस क्या होते हैं, कोई भी बता सकता है मुझे अगर किसी को आता है तो। थर्ड मैं पूछूंगा आपसे डेली क्वेश्चंस, ठीक है, एस सी ई एन टी, डेली क्वेश्चंस सबस्टेंस क्या होते हैं, और ये टर्म आपको यूज करने को मिलेंगे, ठीक है, टेक्निकल टर्म है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो सबसे पहला है हमारा एफ्लोरेसेंट, हमारी सबस्टेंस क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर दी टाइप्स ऑफ सबस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ओम ने बोला है वॉटर एसोसिएटेड विद इट्स मॉलिक्यूल, ओके। तो सबसे पहले बताना है आपका एफ्लोरेसेंट क्या होगा, जिसमें मैं चलो आप लोगों के देखता हूं, मैं आंसर्स देखता हूँ, ठीक है, ठीक है, उसके नोट्स में सेंड कर दूंगा, यस ओम, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वॉटर एसोसिएटेड विद इट्स मॉलिक्यूल्स, ओके, फर्स्ट का आपने बोला है क्या, कोई जो भी है माइक को ऑन करके आप बोल सकते हो। फर्स्ट मैंने पूछा है एफ्लोरेसेंट क्या, नहीं 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 नहीं, फिर से बोलो एक बार, वॉटर प्रेजेंट होगा, देखो देखो मैं इसको, हाँ बाकी लोग भी बता सकते हैं, यस, मैं यहाँ पे देखो इसको लिख देता हूं एक बार, देखो एफ्लोरेसेंट का एक्चुअली मीन क्या है, मैं बोलूंगा when some substance are exposed to air they lose water to the atmosphere। तो फिर बच्चों यहाँ पे इनका जो वेट होगा, वेट आपका इनका हो जाता है रिड्यूस, वेट इनका डिक्रीज करता है। तो एफ्लोरेसेंट का जो बेसिक मतलब है, इनके एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं बोलता हूँ ग्लोबल सॉल्ट का नाम तो सुना होगा आपने, GLAU ग्लोबल सॉल्ट। तो ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम का सल्फेट होता है ना, कितने वाटर मॉलिक्यूल, 10 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस कंपाउंड को मैं वही बोल रहा हूँ, जब इस कंपाउंड को ग्लोबल सॉल्ट को जहां पे 10 वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसको अपन एक्सपोज करते हैं एयर के साथ, ठीक है। तो बच्चों ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देते हैं, ठीक है, उनका वेट विल डिक्रीज, बिल्कुल सही है, करेक्ट। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंट सबस्टेंस। और भी एग्जाम्पल है, जैसे आप लोगों को पता है, पढ़ चुके हम लोग, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, 10 आपके वाटर मॉलिक्यूल, ये भी इसी कैटेगरी का है। मैं और बोल सकता हूँ, आयरन का सल्फेट, ग्रीन बिट्रोल, पता है ग्रीन बिट्रोल FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल, या 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्रीन बिट्रोल बोलते हैं इसको, ठीक है, दिस इज ग्रीन बिट्रोल। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल हैं आपके, वो ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके एफ्लोरेसेंट सबस्टेंस को। तो एफ्लोरेसेंट सबस्टेंस है क्या, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, व्हेन सम सबस्टेंस आर एक्सपोज टू एयर दे लूज वाटर, ठीक है, टू द एटमोस्फियर, देयर बाई रिड्यूसिंग इट्स वेट, तो उनको हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंट सबस्टेंस। नाउ कम्स हाइग्रोस्कोपी सबस्टेंस क्या है, हाइग्रोस्कोपी सबस्टेंस क्या होंगे, अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सराउंडिंग, बिल्कुल ओम ने बताया है, हाँ डेफिनेटली वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं एयर से, बिल्कुल सही। तो ऐसे सबस्टेंस जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एयर, लेकिन कितना वाटर मॉलिक्यूल, क्या सोल्यूशन बना लेंगे, बताओ मुझे क्या सोल्यूशन बना लेंगे, कितने वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करें, अगर इतने, अगर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तो फिर वहां पे सॉल्यूशन बन सकता है ना, तो सॉल्यूशन ही बनना चाहिए, इतने वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करें कि वहां पे आपका सबस्टेंस नहीं बनना, सॉल्यूशन नहीं बनना चाहिए। तो इस टाइप के हम कंपाउंड या सबस्टेंस को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपी सबस्टेंस। इससे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो आपका सोडियम नाइट्रेट NaNO3,
इसी कैटेगरी में है। सीधे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, सुक्रोज, सुक्रोज भी इसी कैटेगरी का है, और मैं बात करूं कॉपर ऑक्साइड भी इसी कैटेगरी के हैं। तो नीट वगैरह में आपके जो आपके स्टेट टेबल पर जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये बेटा ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं सॉलिड, ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं सॉलिड, और जब एयर के पास प्रेजेंट होगी इसमें मॉइस्चर, तो एयर के पास जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या आपके ये सॉलिड में कन्वर्ट होंगे या डायरेक्ट बेटा लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएंगे? नहीं, अभी भी ये सॉलिड में ही रहते हैं, लेकिन ये जो सॉलिड पार्ट है, ये जो सॉलिड पार्ट होगा, अब ये सॉलिड पार्ट अब बेटा कंबाइन करेगा फिर से एयर के मॉइस्चर के साथ, तो यहां से बनेगा आपका क्ले सॉल्यूशन। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, ये जो स्टेप पूरी लिखी है ना, तो सबसे पहले कोई भी सॉलिड है नेचर में अगर पड़ा रहेगा तो वो सॉलिड फेज में ही बना रहता है, लेकिन अगर सॉलिड के साथ एयर मॉइस्चर आता है सॉलिड में ही बना रहता है, तो जरूरी नहीं कि बेटा वो आपका यहाँ पे क्या हो, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस हो, लेकिन सॉलिड के साथ अगर उसने वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ से उसने सफिशियंट वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब किया है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं बनना चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट। पेस्ट, पेस्ट पता है क्या, जो मॉर्निंग में आप लोग पेस्ट करते हो कुछ वैसा ही, पूरा वो सॉल्यूशन नहीं होता है ना परफेक्ट, तो वो जो पेस्ट है ना उसकी तरह आपको दिखना चाहिए, पेस्ट सॉल्यूशन आपको दिखना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं आपका हाइग्रोस्कोपी सब्सटेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेलीक्विशेंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेलीक्विशेंट सब्सटेंस, इसका मीन क्या है बताओ मुझे कोई, इसका मीन क्या होगा? यस, देखो इसमें सीधा सा है, हाँ मैं देखता हूँ यहाँ पे किसी बच्चे ने रिप्लाई भी किया है। यस, ओम ने किया है अट्रैक्ट वाटर एंड बिकम्स एक्वस सॉल्यूशन। हाँ बिल्कुल सॉलिड ही होते हैं, लेकिन एयर के साथ एक्सपोज हो जाते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, और इतना वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं कि वो सॉल्यूशन बना लेते हैं। सॉल्यूशन कैसा, जैसे आपको अगर पता है कि कैसा जेली टाइप, पता है क्या जेली टाइप जैसे सॉल्यूशन होता है कि पानी भरा हो है ना, और वहां पे मिट्टी बहुत सारी, उसको बोलते पिच पिच टाइप का, ऐसा हो जाता है, समझ में आता है क्या? वैसा ही आपका यहाँ पे बन जाता है, समथिंग लाइक दिस। हाँ बिल्कुल हनी, बिल्कुल 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 ठीक है। तो डेलीक्विशेंट में मतलब क्या है कि आपके ये एक्चुअली में सॉलिड सब्सटेंस ही होंगे, लेकिन ये सफिशियंट नहीं, मैक्सिमम अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम द एयर ये कर लेते हैं एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये बेटा डिफाइन करते हैं अपने सोल्यूशन नेचर को, सोल्यूशन नेचर को, पेस्ट नेचर नहीं, पेस्ट वाला ऊपर था, ये सोल्यूशन नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये डेलीक्विशेंट, जैसे आपका CaCl2, जैसे CaCl2 की बात करूं, और इसमें आपका आ सकता है P4O10, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। जैसे FeCl3 कुछ कॉमन एग्जाम्पल है, वो कॉमन एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी अलग चैप्टर्स में लिखे हुए हैं, ठीक है, अलग चैप्टर्स में की प्रॉपर्टी साथ लिखे हुए, मैंने आपको एक जगह ही इनको बता दिया, ठीक है। तो इन सबको क्या होगा, सॉलिड के साथ एयर मॉइस्चर आएगा, तो पिच पिच वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, जैसे बारिश होती है उसके बाद कहीं दलदल बन जाता है, तो वही आपका डेली क्वेश्चन, वैसा ही सिस्टम आपका क्रिएट हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया हो, आई होप सभी क्लियर हो गया होगा। यस सर, ठीक है। अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान दें, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट आएगा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट शीटिंग होगी आपकी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बताओ मुझे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ क्या है, किसी को कुछ पता है तो आप बता सकते हो, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को हम किस तरीके से देखते हैं बताओ, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इसको हम किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, किसी को कुछ आइडिया है? या फिर सिंपल रेशियो माइनस थ्री एलिमेंट्स विद सेम रेशियो, हाँ रेशियो ऑफ मास, हाँ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज एक्चुअली डिफाइंड बाय रिचर, ठीक है, RICHTER, ठीक है, रिचर ने इसको डिफाइन किया था। तो इसको ना हम बहुत ही सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे ध्यान से, आपको देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, रिचर ने क्या बोला कि जो ये दे रखा है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसका जो लैंग्वेज है, ध्यान देना, इसका जो लैंग्वेज है या इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेटली आपकी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है अकॉर्डिंग टू मी, बाकी किसी के अकॉर्डिंग सेम हो सकता है, इजी हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसकी लैंग्वेज पे नहीं जाना है,
इसकी इजी ट्रिक पे आना है, तो एक इसकी इजी ट्रिक में लिखने वाला हूं बिल्कुल समझने के लिए, ठीक है। इजी ट्रिक आपको ये देखना है कि टोटल एलिमेंट, ध्यान दो, टोटल एलिमेंट आपको कितने दिखने वाले हैं बच्चों, थ्री। कितने होंगे? थ्री होंगे। टोटल एलिमेंट कितने होंगे? थ्री। सेकेंड में बोलूं टोटल कंपाउंड कितने बनेंगे, टोटल कंपाउंड कितने बनेंगे बताओ, टोटल कंपाउंड भी आपके थ्री ही बनेंगे ना, थ्री। बिल्कुल इजी ट्रिक समझो, और इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो टोटल एलिमेंट कितने होने चाहिए, थ्री। मैं रोशनी प्रोपोर्शन की लैंग्वेज पे जा ही नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ सीधा समझो कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को डिफाइन करेगा, कौन सा ऑप्शन। तीन एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए, तीन कंपाउंड बनेंगे अलग अलग होने चाहिए, बिल्कुल। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इजी ट्रिक की बात करूं, नेक्स्ट स्टेटमेंट, और ईच एलिमेंट्स, और ईच एलिमेंट्स दो बार, कितनी बार, दो बार, ईच एलिमेंट्स दो बार आएगा। हर एक एलिमेंट, तीन एलिमेंट होंगे ना, हर एक एलिमेंट दो दो बार आपको देखने को मिलेगा। इसका मींस क्या, इसका मींस क्या होगा बताओ, इसका मींस पता क्या है, ये जो एक एलिमेंट दो दो बार आ रहा है यही रिप्रेजेंट करेगा, इसका मींस होगा यही रिप्रेजेंट करेगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को। अब इसको और इजी तरीके से समझते हैं, ध्यान दो, बिल्कुल परफेक्ट रश्का, बिल्कुल। अब इसको ऐसे समझते हैं, ध्यान देना, एक मैं इजी मेथड आपको बताता हूँ यहाँ पे, और एक इजी मेथड बताता हूँ समझने के। देखो मान के चलो यहाँ पे इस तरीके से समझो, ध्यान से, एक यहाँ पे इनका नाम ले लेते हैं कुछ रीता, ठीक है, और रीता के साथ करेक्शन है यहाँ पे इस तरीके से गीता का, ठीक है, और ऐसा कर, और एक मैं यहाँ पे और बनाता हूँ इस तरीके से, समझो ध्यान से, थोड़ा ऐसे इजी मेथड बताता हूँ, सीता, हाँ हाँ बिल्कुल इजी मेथड बताता हूँ, चलो ठीक है। ऐसा करते हैं, इनका नाम रख लेते हैं अपन, कुछ रख लेते हैं आर, आर मतलब कर लेते हैं बॉय है ये, और ये यहाँ पे गर्ल है, ठीक है, और ये भी गर्ल है, समझो बिल्कुल कनेक्शन, अब ये समझ में आएगा, ठीक है, समझाओ ध्यान से। अब सुनना एक कहानी, कहानी सुनाओ छोटी सी, सुनने को तैयार हो? हाँ सर, यस सर। छोटी सी कहानी है, मजेदार कहानी है, समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए, शायद ऐसी किसी ने सुनाई नहीं होगी, ठीक है, सुनना ध्यान से। यस सर। सबसे पहले क्या हुआ कि ये यहाँ पे एक लड़का है, इस लड़का, ये लड़का आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज, दोनों एक दूसरे से मिले, मिलने के बाद काफी टाइम तक समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों की हो गई क्या, शादी, क्या हो गई बेटा, शादी, दोनों ने कर ली, शादी करी, शादी की, तो शादी करने के बाद समथिंग प्रोडक्ट, वो आपको समझ में आता है बिल्कुल, आपको मजा आएगा भी। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट हुआ, उस प्रोडक्ट को भी अपन बना लेते हैं, ये हो गया यहाँ पे एक प्रोडक्ट, उसके बाल देखो यूं खड़े हैं, दिस इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ आर एंड जी, ठीक है, आर और जी का ये प्रोडक्ट। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, बिल्कुल अभी मजा आएगा, देखो मैं कैसे सुना रहा हूँ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कितना इजी है, समझ में आपको आ जाएगा हमेशा के लिए। अब ऊपर जो आर है, कुछ समय बाद क्या हुआ कि आर और जी का चलता रहा भाई, एक प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि आर ने थोड़े समय बाद ये क्या हो गई, ये हो गई ओल्ड, समझो ध्यान से कॉन्सेप्ट को। फिर यहाँ पे ये आती है, तो भाई आर कहीं जा रहे थे, आ रहे थे, तो ये मुलाकात किसी नए से हुई जिनका नाम था कैपिटल एन, तो इनके साथ अभी इधर कनेक्शन क्या हुआ, इनके साथ कनेक्शन इस आर का यहाँ पे सेट हो गया। जब कनेक्शन सेट हो गया तो उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है, एक प्रोडक्ट यहाँ पे भी जनरेट हो गया, एक प्रोडक्ट यहाँ भी फॉर्म हो गया, करेक्ट। उसके बाद क्या हुआ, कहानी चलती रही, ये इन दोनों से मिलता रहा, यहाँ भी और यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि ये क्या थी, ये मार्केट गई, समझो ये गई मार्केट, तो मार्केट जाने के बाद क्या हुआ, इनसे मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई, ये फोन कॉल कर रहे थे, ये इनसे बातचीत चल रही थी, अचानक से उन्होंने सुना कि ये नाम कुछ ले रही थी, वो आर नाम था, ये नाम कुछ ले रही थी, तो ये पास में गई थी, इन दोनों की मुलाकात हुई कि भाई ये नाम ले रही है इसका, ये तो भाई मेरे, मेरा क्लोज है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसने, ये जो थी ना, इसने, इसने पूरी की पूरी बात शेयर की इसके साथ, क्यों, क्योंकि ये भी लड़की है, ये भी लड़की है, तो ये जब आपस में मिली तो बहुत अच्छी फ्रेंड्स हुई, और फ्रेंड्स होने के बाद इसने उसको पूरी बात कर दी शेयर, क्या आपको मेरी बात समझ में आई। तो जो बात उसने शेयर की वो बात क्या थी,
इसने इसको बात शेयर की, इसने इसको बात शेयर की, इसने इसको बात शेयर की, तो मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज आएगी वो यहाँ मैच करेगी और यहाँ जो प्रॉपर्टीज आएगी वो यहाँ मैच करेगी। तो यही होता है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बताओ मुझे क्यों? उसका इधर भी कनेक्शन था, इधर भी कनेक्शन था। जो नीचे रिजल्ट मिलेगा, जो नीचे रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? जो इस देखो, जो इसने बात इसके साथ बोली थी, जो इसने बात इसके साथ बोली थी, तो यहाँ पे जो मिलेगा इन दोनों के बीच में जो बात हो रही होगी वो बात क्या होगी? वो जो उसने नीचे बात शेयर की होगी, तो मतलब नीचे वाले में जो रेशियो आएगा ना वो इन दोनों की प्रॉपर्टीज होगी, उन दोनों के रेशियो का मैचअप होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ जरा। ओके एक्सप्लेन, ध्यान दो। क्वेश्चन है बच्चों इसमें रेशियो को समझने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हाइड्रोजन, मैंने यहाँ पे लिया कार्बन, यहाँ पे लिया मैंने ऑक्सीजन। समझो ध्यान से, तीन डिफरेंट एलिमेंट है, परफेक्ट समझ में आ रहा है। H और OH से बच, H और O से क्या बन गया? सपोज वाटर मॉलिक्यूल, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, वही वाला सीन समझो। और COH से बन गया सपोज यहाँ पे CH4, ठीक है। C और O से बन गया CO2, आप वहां पे CO भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान देखो, यहाँ पे क्या तीन एलिमेंट दिख रहे हैं? तीन डिफरेंट एलिमेंट है क्या? मुझे बताओ क्या तीन डिफरेंट एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं? और कौन कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। एक एलिमेंट दो दो बार दिख रहा है, बिल्कुल। देखो ये कार्बन यहाँ भी दिख रहा है, ये कार्बन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी दिख रहा है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन आपका इधर भी है, हाइड्रोजन आपका इधर भी है, परफेक्ट है। एक एलिमेंट दो दो बार दिख रहा है, तो कितने बन रहे हैं? तीन कंपाउंड बन रहे हैं। अगर यही दोनों कंडीशन मैच कर रही हैं तो गिवन ऑप्शन में कोई इश्यू नहीं है, सीधा आप टिक कर सकते हो। भाई सीधा टिक करेंगे तो यहाँ से एक बनना है CH4 मॉलिक्यूल, दूसरा बनना है कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट बनना है वाटर मॉलिक्यूल। अगर यही दोनों प्रॉपर्टीज मैच कर रहे हैं सीधा टिक कर देना कि सर ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का ही एग्जांपल है, चार ऑप्शन में से। समझ में आ गया? क्लियर हो गया यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? परफेक्ट, ओके थैंक यू। अब देखो इसके बाद और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ, चलो ठीक है, एक एग्जांपल। टाइम कितना हो गया अभी लेक्चर है आप लोगों का? नो सर, इन तीनों को मैंने आपस में कंबाइन किया, तो देखो यहाँ से आपका सपोज बन गया वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से बन गया सपोज आपका NaCl अमोनिया गैस, और यहाँ से आपका बन गया सपोज N2O3। इस तरीके से मैंने कंपाउंड बना ली, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा हो। अब समझो ध्यान से, यहाँ पे पहले अपन निकालते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो, इन दोनों का, इन दोनों का रेशियो हम लोग पहले निकालते हैं। तो कितना रेशियो आएगा बताओ मुझे, कितना रेशियो आएगा? हाइड्रो ऑक्सीजन का ऊपर लिखा है, हाइड्रोजन के नीचे कितना? देखो मुझे बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 ना? यस सर, यस सर। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं मुझे बताओ? अभी तो दो दिख रहे हैं ना, दो। हाँ, तो मुझे बताओ जब यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना था आपके हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा? 8 रेशियो बना जाएगा ना, उसको मैं सॉल्व करूंगा। हाँ 8 रेशियो बन, बिल्कुल। अब देखो इसके साथ मैं नेक्स्ट रेशियो निकालता हूँ NOH वाला, N के साथ निकालता हूँ मैं H, ये N है, ये H है, इधर OH, इधर से NH, वो बराबर रखना है इस तरीके से। तो अब इसका रेशियो निकालें तो कितना आएगा बताओ? 14/3 आ जाएगा, बताओ मुझे। हाँ 14/3, बिल्कुल सही। अब इसी के साथ देखो मैं निकालता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा? HOS दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, मुझे निकालना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो O/N, जरा इसका रेशियो निकालो कितना आएगा? O/N, इसका रेशियो कितना आएगा? ON मतलब ये, यहां से ऑक्सीजन है, यहां से नाइट्रोजन है, तो O/N का रेशियो कितना आएगा? निकालो जल्दी से, 7:4 आएगा। अरे फर्स्ट केस में ये फर्स्ट केस का एग्जांपल है। हाँ कितना आएगा यहां से? 12:7, यस सर, 12:7 ही तो आएगा। हाँ सर, बिल्कुल। अब इसी में अब निकलते हैं सेकंड से O/N, तो मतलब ये तो आपका जो आंसर है सेकंड से निकालेंगे, ठीक है, एक तो सीधे फॉर्मूला से निकालो, बाकी बस कैसे निकालो, तो भी कितना आएगा? 12/7 ही आएगा ना। तो अब यहाँ से हम फर्स्ट डिवाइड बाई जो सेकंड करेंगे,
तो इसका आंसर आपका बनेशियो बना रहा ना आ रहा है, बताओ बनेशियो बनी तो आएगा, दोनों कैंसिल करेंगे बनेशियो बना रहा है। तो वही हम लोग जो फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस की, तो उस लैंग्वेज में यही आता है कि जो भी आपको सैंपल गिवन है, जो भी आपको सब्सटेंस गिवन है, उसमें टू एलिमेंट, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, टू एलिमेंट्स ठीक है कंबाइन करेंगे सेपरेटली ठीक है विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट ठीक है, देन द रेशियो इन विच दे डू इज आइदर सेम ठीक है और सेम इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल भी आपको मिल सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द रेशियो मासेस इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर, तो इंटीग्रल पार्ट भी मिल सकता है या फिर आपको सेम रेशियो भी आपको मिल सकता है। तो हम प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली भी कि इंटीग्रल मल्टीपल समझ में आता है ना कि उसका जो मल्टीपल फॉर्म ट्वाइस करो थ्राइस करो फोर टाइम्स करो इस तरीके से, तो इंटीग्रल मल्टीपल भी देखने को मिल सकता है, तो मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग एग्जाम्पल के बिना उससे भी समझ सकते हैं कि तीन एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए, तीन बनेंगे आपका अलग प्रोडक्ट, एक एलिमेंट दो दो बार आना चाहिए, तो वहां पे आपका रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा वैलिडेट हो जाएगा। हो गया क्लियर? और ये कहां का पे वर्क नहीं करेगा, आइसोटॉप्स में वर्क नहीं करेगा और नॉन एसोसिमेट्रिक कंपाउंड के साथ वर्क नहीं करेगा, जहां पे फ्रैक्शन वाला सेक्शन था, फ्रैक्शन था उनके साथ वर्क नहीं करेगा और आइसोटॉप्स के साथ भी क्या करेगा वर्क नहीं करेगा। ठीक है, बाकी इसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है उनको आप लोग क्या करना एक बार ट्राई करना। कल हम लोग पढ़ेंगे मोल्स पे, आते हैं मोल्स के फॉर्मूले पे, और उसके साथ हम कल से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा तो उससे करेंगे हम लोग कंटिन्यू, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू बच्चों। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।